कि धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान गांव का देश है और आप लोग को पता होगा पीछे जो मैंने एक वीडियो डाला था कि पानी से पूरा भरा हुआ था मेरा गांव और वो मामला सलट गया और हमारे सारे गाँव वासियों ने मिलकर उस मामले को सुलझाया और पानी लगभग अब ख़त्म है इस गांव से। और मैंने क्या किया है वो आपको ये नज़ारा दिख रहा होगा। लगभग मेरे पूरे पंचायत की मैं बात करूं, जो मेरा सलाह पंचायत है, इस सलाह पंचायत में जो कि वैशाली ज़िला में है, बिहार के वैशाली ज़िला में, और इसमें लगभग 1200 के आसपास जितने भी पोल हैं, बिजली के पोल जो कि सड़क से जुड़े हुए हैं, वो सारे पर लाइट लगाने का मैंने प्रावधान रखा और अपने तरफ से, और इसमें हमारा भरपूर सहयोग किया है यहाँ पर धुरीना, जिस धुरीना ऐप पर मैं पढ़ाता हूँ। आपको पता होगा कि पेड कोर्स चलता है मेरा धुरीना ऐप का, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप ज़रूर डाउनलोड करना, क्योंकि धुरीना ने मेरे साथ मिलकर और इस गाँव को बचाने के लिए, इस गाँव में ये जो आप देख रही हो जो लाइट लगी, अभी मैं वीडियो में भी आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपको देख कर लगे कि कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। दोस्तों, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था कि मैं बहुत पैसे कमा लेता हूं या इतने पैसे हैं कि कर लूं, लेकिन हाँ, मैं आप सभी से इतना बता दूं कि जितने मेरे पास होते हैं कुछ अपने लिए और कुछ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए मैं हमेशा प्रयास करते रहा हूँ। और अभी इस महीने जो मेरा टारगेट पहले था वो 60 पोल पर बल्ब लगाने का था, और जो बल्ब लगा है ना, वो बल्ब लगा है जो मेरे घर में भी नहीं है, चार्जेबल बल्ब लगवाया है मैंने, और वो भी ब्रांडेड कंपनी का, सूर्या कंपनी का है। एंकर का स्विच दिया है ताकि दिन में लोग उसको ऑफ कर दे और लाइट का बेवजह यूज ना किया जाए, और जब लाइट कट जाए तो भी बल्ब जलते रहे। ये चार्जेबल बल्ब है, लगभग एक बल्ब पर स्विच का लेके होल्डर उसमें लगता है, तार कर लेके यानी वायर और बल्ब को लेकर 600 रुपये का खर्च हुआ है। तो हमारा इस बार का जो टारगेट था वो 60 पोल में लगाने का, लेकिन उसको बढ़ाकर मैंने 90 कर दिया, और मैंने कहा था कि 31 तारीख से पहले मैं अपने पूरे गांव में लाइट कर दूंगा और इस गांव के बाद दूसरे गांव में भी, और ये हमारा प्रयास हर महीने जारी रहेगा। और ये सारी ताकत मिलता है आप लोगों की वजह से, और बस यही है। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि ये काम देखकर कुछ लोगों को, बस दो चार लोगों को शायद उन्हें पसंद नहीं आया, तो कुछ कानूनी प्रक्रिया में मुझे फंसा दिया गया इस बल्ब के मैटर में, बल्ब लगाने के मैटर में, तो जिसके वजह से काम रुक गया था, आज काम नहीं हुआ था। तो बाकी जो भी लोग हमारे आसपास के होंगे, हमारे गांव के आसपास के जिनका भी गाँव है, इस पंचायत के होंगे, सलाह पंचायत के होंगे, तो वो ये ध्यान रखे कि मैं हर घर के पास पहुँचूँगा और धीरे धीरे सबके पास आ रहा हूँ, और हर जगह जो हमारी प्रयास है, भगवान ने और आपने जो मुझे दिया है वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, अब चलिए मैं दिखाता हूँ अपने गांव का नज़ारा, आप भी देख लीजिए कि अभी कितना काम हुआ है और बहुत काम बाकी है। ये गांव का देश हिंदुस्तान है, इस ये सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसको बनाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, यह ऐसे ही नहीं हो जाएगा। और ध्यान रहे, अभी सड़क बहुत ख़राब है, तो जो नेता लोग हैं, जो देख रहे हैं, जिनके अंडर में ये काम है, तो ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। और सिर्फ मेरे गांव की स्थिति नहीं है, लगभग गांव की स्थिति ऐसी ही है, तो सब लोग देखिएगा। मुझे पार्टी पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने परेशान करना शुरू किया कि भाई बल्ब क्यों लगा रहे हो, जब 20 साल लोग अंधेरे में रहे हैं, 20 साल तक अंधेरे में, तभी रोशनी की क्या ज़रूरत है। मैं बस वही फ़र्क लाना चाहता हूँ कि ये गाँव ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आप लोग का इतना आभार मुझे सहयोग करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि मैं ये कर सका और अपने समाज के लायक बस इस योग्य हो सका, इसके लिए आप सभी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए आगे पूरा सीन दिखाते हैं अपने गांव का, जबकि ये छोटा ही है, ये बहुत बड़ा नहीं, इसमें अभी आधा काम बचा हुआ था, कुछ कानूनी प्रक्रिया की वजह से फंस गया है, और ये दो चार दिन के अंदर ये सारे ठीक हो जाएंगे। तो अभी चल रहे हम सड़क पर, अपने गांव के सड़क पर, और मोबाइल के टॉर्च जलाकर, पूरा अंधेरा है, जंगल है साइड, अगर मैं मोबाइल जलाऊं
तो दोनों तरफ जंगल ही जंगल होता है, और पानी होता है तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है रात में। गाँव के लोग रात तक तो कुछ ना कुछ देर काम होते ही रहता है, फिर इधर उधर जाते रहते हैं। अभी कोई गाड़ी आएगी तो लाइट आपको दिखाई देगा, वरना हमेशा अंधेरा रहता। तो एक हम लोग का प्रयास है, और मैंने अभी 60 पोल को चिन्हित किया है जिस पर लाइट लगाने का, ये सारे पोल जो आप देख रहे हैं, सारे पोल पर लाइट लगाने का, चूँकि इस महीने मैंने अपने तरफ से 60 पोल पर लाइट लगाने का प्रयास किया है। चूँकि आप ये देख रहे हैं जमीन पोल पर, और अभी ये गाड़ी क्रॉस करेगी तो आपको लाइट दिखेगा। और इसके बाद हो जाएगा अंधेरा, तो कहीं लाइट नहीं है। और चूंकि इसका बजट भी बड़ा है, चूंकि हम जो लाइट लगा रहे हैं वो नॉर्मल लाइट नहीं लगा रहे हैं, चार्जेबल लाइट लगा रहे हैं, इसमें एक बल्ब पर हमें 600 रुपया का खर्च आ रहा है। चूँकि इसमें तार, उसके बाद होता है हमारा अभी का नजारा है। I don't think it's